130 करोड़ लोगों के सपने टूटने की खामोश आवाज शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, T20 विश्व कप 15 साल जीतने का जो सपना हम सब ने पाल रखा था, आज वो एडिलेड ओवल में टूट गया। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को सेमीफाइनल में 10 विकेट से पराजित किया और अब इंग्लैंड की टीम फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारतीय टीम से आज काफी उम्मीदें थी। उम्मीदें रोहित शर्मा से भी थी कि आज वो अपने फॉर्म में वापस आएंगे, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो लगा जैसे वो उस टच में नहीं है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इस पूरे विश्व कप में वो संघर्ष करते दिखे। हाँ, टाइमिंग आ नहीं रही थी, किसी भी तरह से उन्होंने 27 रन बनाए जरूर, लेकिन ये पारी रोहित की पारी जैसी नहीं थी। लेकिन उनसे पहले केएल राहुल जो है वो आउट हो गए। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय टीम टॉस हार गई, ये एक बड़ी बात थी और आप कह सकते हैं कि आज के मैच पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना था। कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा कि अगर वो भी टॉस जीतते तो पहले फील्डिंग करना ही पसंद करते, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्री मैच शो पर कहा भी था कि जब यहाँ पर जो गेंद होगी वो अंडर लाइट बैट पर अच्छे से आएगी और उस समय स्ट्रोक खेलना आसान होगा, जबकि शुरू में चूंकि यूज्ड पिच है तो गेंद फंस कर आएगी। और आई गेंद फंस कर, खास करके जब आपने देखा कि जो आदिल रशीद हैं उन्होंने गेंदबाजी की और यहाँ तक कि लिविंगस्टोन ने जो गेंदबाजी की लेग स्पिन, वहां पर भारतीय बैटर्स कंफर्टेबल नहीं दिखे। यह तो हार्दिक पांड्या की पारी थी जो किसी तरह भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर गई, 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर में भारत ने 100 रन बनाए थे और आखिरी 5 ओवर में हार्दिक पांड्या की आतिशी पारी की बदौलत भारतीय टीम 168 रन तक पहुंच सकी थी। हाँ, विराट का एडिलेड से प्यार यहां भी देखने को मिला और उन्होंने अर्धशतक जरूर ठोका, लेकिन जब 168 रन बना तो ये लगने लगा था कि मैच शायद बराबरी का होगा या भारतीय टीम संघर्ष करेगी। लेकिन जैसा कि प्री मैच शो पर हमने बातें की थी कि इंग्लैंड की जो टीम है वो हर बॉल पर स्ट्रोक खेलना जानती है और यही वजह है कि वो उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत गहरी है, डीप जो है उनकी बैटिंग ऑर्डर है, और ये चीज़ उन्होंने दिखाया। आते ही उन्होंने हमला किया, ये बातें भी हमने प्री मैच शो पर की थी कि वो जो है काउंटर अटैक करेंगे ही करेंगे बुमराह पे, क्षमा कीजिएगा, भुवनेश्वर कुमार पे और अर्शदीप पे और अन्य भारतीय गेंदबाजों पर, यही किया उन्होंने। बुमराह तो यहाँ थे नहीं और आज उनकी कमी खली, शायद इसीलिए मेरे मुंह से अभी बुमराह भी निकल रहा था, लेकिन बुमराह थे नहीं और उनकी कमी वाकई खली, उनके कुछ यॉर्कर्स की कमी खली जब भारतीय टीम पिछड़ रही थी। लेकिन भुवनेश्वर, मैंने जैसा कहा कि शुरुआत से ही सेटल डाउन नहीं दिखे, या यूं कहिए कि अंग्रेज बल्लेबाजों ने उन्हें सेटल डाउन होने नहीं दिया। ऑफ स्टिक के बाहर वो आउटस्विंग फेंकते रहे और पहले ही ओवर से आप कह सकते हैं कि काउंटर अटैक शुरू हो गया और फिर उसके बाद पहले 6 ओवर में ही इंग्लैंड की टीम ने भारत से मैच छीन लिया। जहां भारत ने पहले 6 ओवर में 38 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 63 रन बना लिए। अब आप समझिए कि 10 से ज्यादा का औसत था तो मैच कुछ बचता नहीं है और इसी रफ्तार को इंग्लैंड की टीम ने बनाए रखा और अंततः 10 विकेट से भारत को करारी शिकस्त दी। तो भारतीय टीम को यह हार बहुत ही सताने वाली है, दिल टूटने वाली बात है। बहुत सारे ख्वाब हमने पाल रखे थे, सपना था हमारा कि भारत 15 साल बाद इस बार विश्व कप जीतेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन टीम हारी क्यों? जब आप डर कर खेलते हैं ना तो ये होता है। भारतीय टीम डरी सहमी थी, ये बात पहले से कही जा रही थी और एक्सपर्ट कहते भी हैं कि अगर आप प्रेशर ओढ़ लेंगे तो आपके लिए T20 क्रिकेट में खेलना बड़ा मुश्किल होता है, और यही हुआ। भारतीय टीम ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की थी और 9 रन पे जब राहुल आउट होते हैं, उसके बाद जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की साझेदारी थी वो ऑलमोस्ट रन बॉल थी। अगर आप रन बॉल अगर साझेदारी करते हैं या स्कोर करते हैं
तो T20 क्रिकेट आपके लिए नहीं है। तो अगर आप डरा सहमा प्रदर्शन करेंगे तो ये हमेशा आपको परेशानी होगी। इसके अलावा अगर हम गेंदबाजी में बात करें तो वहां भी भारतीय बॉलर्स डरे सहमे लगे। उन्हें पहले से पता था कि हेल्स और बटलर जो है वो काउंटर अटैक करेंगे। और आपने देखा होगा कि भुवनेश्वर कुमार जब भी दबाव वाला मैच आता है उस वक्त उनसे आप ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। और आज भी यही हुआ, आउट स्विंगर जब उन्होंने फेंकी, जो शुरू के दो आउट स्विंगर, तो वो आउटसाइड दी ऑब्स्टेक था और उसमें सिर्फ बैटर को ऐसे टच करना था, आप पावर प्ले में है, वो बाउंड्री जानी थी। और जब आपने इन स्विंग डाली तो पैर पर डाली तो वो वहां आप चौका खा गए। और जब तीन चौका पहले ओवर में खा गए तो अगले ओवर में आपने लेंथ पीछे कर ली, और जब आप लेंथ पीछे करते हैं तो गेंद स्विंग कहां से करेगी, और भुवनेश्वर के पास वो गति तो है नहीं, आप स्विंग बॉलर हैं। और जब आपने स्विंग करना ही छोड़ दिया, आपको रन देने का इतना खौफ हो गया कि हम मार खा जाएंगे, तो फिर आपसे कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और यही हुआ, दो ओवर में आपने 25 रन दिए भी, क्योंकि जब बैटर को पता चल गया कि आप स्विंग करेंगे नहीं, लेंथ बॉल फेंकेंगे, तो सामने छक्का भी लगा। तो ये एक बात होती है। अर्शदीप से एक ओवर करवाकर क्यों रोहित शर्मा ने उन्हें पावर प्ले में दूसरा ओवर नहीं दिया, ये भी समझना मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, जो हमारे लिए कंसर्न का विषय इस पूरे विश्व कप के दौरान रहे, और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि चाहे वो अश्विन हो और चाहे अक्षर पटेल हो, वो उस लय में नहीं दिख रहे, वो रन बचाते हुए अपने कोटे के ओवर डालते हुए ही दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ इंग्लैंड के स्पिनर्स गेंद को हवा में डाल रहे थे, फ्लाइट डाल रहे थे, स्पीड थोड़ी धीमी थी ताकि गेंद टर्न करे, वहीं जो भारत के स्पिनर खास करके अक्षर पटेल ने जो पावर प्ले में गेंदबाजी की तो वो गेंद को पुश करते दिखे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा की रफ्तार उन्होंने लगाई से गेंद फेंकी, और जब आप इतनी रफ्तार से गेंद फेंकते हैं तो स्पिन करने का तो मौका आता नहीं, तो फिर बैटर को परेशानी किस बात की होगी, और यही हुआ भी। खैर, नुक्ताचीनी की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी हम बात करेंगे इस पर कि भारतीय टीम से कहां कहां चूक हो गई। फिलहाल तो एक दुख है, लेकिन ये बात भी है कि भारतीय टीम के लिए ये विश्व कप को आप क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे अच्छा कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात तो है कि एक खराब मैच और आप विश्व कप से बाहर हो जाते हैं। भारतीय टीम 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची थी, और ऐसा करने वाली वो एकमात्र टीम थी सेमीफाइनल में पहुंचने की, जहां तक बात है, बाकी किसी भी टीम ने 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं पाया था। और यहां पर एक दिन आपका खराब जाता है और आप विश्व कप से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो बहुत क्रूर गेम है, क्रूएल जिसे आप कहते हैं, और आज रिसीविंग एंड पर टीम इंडिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हमारे खिलाड़ियों पर फख्र है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय टीम और इससे बेहतर प्रदर्शन करेगी, टीम का शायद एक पुनर्गठन हो, और फिर जो है टीम जब अगली बार T20 का विश्व कप हो उस बार जो है हमारे सपनों को पूरा करे। टीम इंडिया को हम आज भी अपनी ओर से शुभकामनाएं ही देंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।